द गर्ल इन द स्पाइडर्स वेब अ न्यू ड्रैगन टैटू स्टोरी इस मूवी को डायरेक्ट किया है फेडे अल्वराज ने, जिन्होंने 2013 में आई इवल डेड और 2016 में आई डोंट ब्रीथ जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है, जो कि अगेन डोंट ब्रीथ 2 पे भी काम कर रहे हैं, जिसका रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इस मूवी को लेकर काफी बवाल है, किसी को मूवी पसंद आई, किसी को मूवी पसंद नहीं आई, किसी को ओरिजिनल स्वीडिश मूवी पसंद आई है, किसी को ये मूवी पसंद आई है, तो आखिर ये सब बवाल है क्या? लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। द गर्ल इन ड्रैगन टैटू के मूवी सीरीज में सबसे पहले तीन मूवीज बनी। पहला था द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, दूसरा था द गर्ल हु प्लेड विद फायर और तीसरा था द गर्ल हु किक्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट। अब ये तीनों ही फिल्म एक्चुअली स्वीडिश फिल्म्स थी, जिनकी कहानी एक्चुअल में बेस्ड थी स्वीडिश जर्नलिस्ट स्टीग लार्सन के बुक्स पर इसी नाम से। अब ये तीनों मूवीज काफी पॉपुलर भी हुई और काफी हिट भी, जिसमें अगेन लीड कैरेक्टर के तौर पर काम किया था मेरी फेवरेट एक्ट्रेस नाओमी रेपेज ने। अब ये तीनों मूवीज डिसेंटली हिट हुए, जिनकी वजह से इसके अंदर एक्सटेंडेड सीन्स भी डाले गए और बाद में इन मूवीज का एक्सटेंडेड वर्जन भी मिलने लगा। अब इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए यूएस ने इस मूवी का रीमेक भी बनाया, जो कि निकली 2011 में द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, में डैनियल क्रेग ने भी काम किया था। मगर अनफॉर्चुनेटली इन तीनों मूवीज के कहानी लिखने वाले जर्नलिस्ट एके नोवेलिस्ट स्टीग लार्सन की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई एंड इस सीरीज की स्टोरी को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई, जहां पर स्वीडिश जर्नलिस्ट डेविड लागरक्रांस ने इसका जिम्मा लिया और इस ट्रायोलॉजी की स्टोरी को कंटिन्यू की। अब इन्होंने इस नोवेल को कंटिन्यू करते हुए आगे की दो नोवेल लिखी, पहली थी द गर्ल इन द स्पाइडर्स वेब, जिसपे हमारी ये मूवी बेस्ड है, और दूसरी है द गर्ल हु टेक्स एन आई फॉर एन आई, जिसके ऊपर क्या पता फ्यूचर में भी मूवी बन जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टीग लार्सन की नोवेल सभी को पसंद आई, एज वेल एज उनपे बनी मूवीज भी सबको पसंद आई, मगर अनफॉर्चुनेटली डेविड की नोवेल और उनके ऊपर बनी ये मूवी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। अब इसको लेकर सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी क्या ओपिनियन है, लेट्स फाइंड आउट। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। भले ही इस मूवी सीरीज में चार मूवीज आ चुकी हैं अभी तक, तीन स्वीडिश मेड और एक यूएस मेड, मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने अगेन इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने इस मूवी सीरीज को लेकर काफी चर्चे सुने थे कि यार ये मूवी सीरीज बहुत अच्छी है, मगर जब अनफॉर्चुनेटली मैंने ये मूवी देखी तो मुझे ऐसा लगा मैं 2000 में बनी कोई पेटी क्राइम कम थ्रिलर मूवी देख रहा हूँ। अगेन इसका ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि इसे यानी कि इस स्टोरी को एक अलग ऑथर ने लिखा है, या फिर शायद से डायरेक्टर इसे बराबर डायरेक्ट नहीं कर पाया, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में कहीं पे प्रॉब्लम हो गई। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। स्टोरी चालू होती है दो बहनों से, जिनके बचपन का सीन हमें दिखाया गया है कि कैसे इनके पिताजी एक अच्छे आदमी नहीं है, शायद इन लोगों को तकलीफ भी पहुंचाते हैं, और कैसे इनमें से एक लड़की यानी कि लिस्बेथ सैलेंडर वहां से बच निकलती है, मगर उनकी बहन कैमिला सैलेंडर अपने पिता के साथ ही रह जाती है। फिर हमें डायरेक्टली वो सीन देखने को मिलता है जहां पर लिस्बेथ अब बड़ी हो चुकी है और इनसे एक आदमी कांटेक्ट करता है फ्रांस बाल्डर नाम का, जिन्होंने एक फायरवॉल नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे आप किसी भी देश के न्यूक्लियर पावर को एक्सेस कर सकते हैं। बट उन्हें अब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उसका गलत इस्तेमाल करेगी, इसीलिए वो चाहते हैं कि लिस्बेथ जो कि एक हैकर है उस फायरवॉल को चुराए और इनको वापस कर दे। और जब लिस्बेथ ऐसा करती है और वो फायरवॉल चुरा लेती है तो कोई उनसे ही ये फायरवॉल चुरा लेता है। अब CIA को यानी कि जहां से ये सॉफ्टवेयर चोरी हुआ है उनको ये लगता है कि लिस्बेथ ने इसे चुराया है और इसीलिए ये लिस्बेथ के पीछे पड़ जाते हैं, मगर एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर किसी और के पास में है। अब किसके पास में है ये सॉफ्टवेयर और आखिर वो करना क्या चाहता है इस सॉफ्टवेयर के साथ, और क्या लिस्बेथ ये सॉफ्टवेयर उस इंसान से वापस पा पाएगी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये मूवी। लेट मी स्टार्ट विद दिस डायरेक्टली, इस मूवी में काफी सारी चीजें मिसिंग है और इसमें ना तो डायरेक्टर की गलती है और न ही स्क्रिप्ट राइटर की गलती है, इसमें पूरी प्रोडक्शन हाउस की गलती है। आई मीन इस पूरे मूवी सीरीज का सबसे पहला मूवी द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू यूएस ने रीमेक बनाया 2011 में। इसके बाद में इसकी दो और मूवीज थी जिसका रीमेक कभी यूएस वालों ने बनाया ही नहीं, और डायरेक्टली चौथा मूवी इन्होंने बना दिया, यानी कि बीच के दो मूवीज स्किप कर दिए। तो जब आप ये फाइनली चौथी मूवी देखेंगे, दो मूवी ऑटोमेटिकली स्किप करने के बाद में, तो बहुत सारे इंस्टेंसेस में सिचुएशंस में आप स्टोरी को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अगेन आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, प्लस मूवी देखने का आपका मजा किरकिरा हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यू एंड अप हेटिंग द मूवी। अब जिन्होंने स्वीडिश की तीनों मूवीज देखी है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप मुझे ले लो, मैंने तो कोई भी मूवी नहीं देखी है, ये तो मेरी पहली मूवी थी जिसको मैंने देखा, प्लस उसके ऊपर आपने बीच की दो मूवीज को स्किप कर दिया, तो ये मूवी क्या मुझे घंटा समझेगा? फॉर एग्जाम्पल लिस्बेथ और उनकी बहन
के साथ में उनके पिताजी क्या करते थे जिसकी वजह से लिस्बेथ भाग गई, ये नहीं बताया गया। आई मीन कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं गया जिससे हमें लगे कि लिस्बेथ और उनकी बहन अपने पिताजी से खुश नहीं थी। लिस्बेथ का काम करने वाली क्लेफॉय बचपन से जवानी तक कहाँ थी, वो हैकर कैसे बनी और इतनी देर तक वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, इसके बारे में वी हैव नो आइडिया। अगेन लिस्बेथ एक जर्नलिस्ट को भी जानती है जिनका नाम है मिकाइल ब्लॉमविस्ट के और मिकाइल को साथ में देखते हैं तो आपको एक वाइब मिलता है कि ये दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, शायद से ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, वो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। सो ये केमिस्ट्री फाइनली आई कहाँ से, ये दोनों जानते कैसे हैं एक दूसरे को। अगेन लिस्बेथ और माइकल के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है जहाँ पर माइकल इनको कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 साल से ढूंढ ही नहीं पाया। आई मीन लाइक बचपन से तो लिस्बेथ गायब ही थी जवानी तक, एंड अगेन मिकाइल से मिलने के पहले वो 3 साल के लिए और गायब थी। आई मीन बचपन से जवानी तक कहाँ थी, वी हैव नो आइडिया। इनसे भी गायब थी 3 साल के लिए, वी हैव नो आइडिया। सो देर वेर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वेर मिसिंग इन दिस मूवी। अगेन एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जिससे आप हर एक देश के न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को लिस्बेथ घर बैठे बैठे ऐसे चुरा लेती है। सीरियसली फाइन ठीक है, चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि वो इतनी होशियार है कि घर बैठे बैठे एक लैपटॉप से उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को चुरा लिया, मगर CIA जहां से ये सॉफ्टवेयर चोरी हुआ है, अब वहां के लोगों को जब ये पता चलता है तो ऑफकोर्स यार एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर चोरी हुआ है तो उनको काफी लोगों को भेजना चाहिए राइट, ताकि पता लगा सके कि किसने सॉफ्टवेयर चोरी किया है। मगर CIA के लोग नो, दे आर लाइक सिटिंग बैक रिलैक्स एंड एक बंदे को भेजते हैं एड नदीम करके कि भाई तुम जाओ पता लगाओ, वी आर नॉट सेंडिंग एनी मोर पीपल, आप अकेले जाओ ढूंढो और पता लगाओ, भले ही वो न्यूक्लियर अटैक कर दे, यू नो दे सिंपली डोंट केयर। आई मीन लाइक सीरियसली। एंड अगेन जब एड नदीम जाते हैं ये सॉफ्टवेयर रिट्रीव करने के लिए, यार वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाते। आई मीन लाइक स्वीडिश लोग तो उनको पकड़ कर बंद कर देते हैं और वहां पे बैठे रहते हैं। आई मीन लाइक ही इज जस्ट वेटिंग कि हाँ हीरोइन आएगी मुझे बचाएगी, बाहर लेके जाएगी और हम लोग साथ में मिलेंगे एंड वी विल फाइट द विलन्स। सीरियसली व्हाट वाज द प्लान बिहाइंड इट? आई मीन लाइक एड नदीम को डाला है फॉर व्हाट पर्पस? द पर्पस वाज नॉट क्लियर। क्लेयर फॉय ने हमेशा अपनी एक्टिंग से मुझे सरप्राइज किया है, चाहे वो अनसेन मूवी में हो या फर्स्ट मैन मूवी में, मगर इस मूवी में इनको एक बैडास बताया गया है प्लस एक हैकर भी बताया गया है, विच अगेन इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। अगेन इतना ही नहीं, ये जेम्स बॉन्ड स्टाइल में एक सुपर हीरो भी है। आई मीन लाइक इनके घर को उड़ा दिया जाता है, ओके बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है, घर के चितड़े उड़ जाते हैं, एंड ऑल शी डज इज शी जंप्स इनटू अ बाथटब जिसमें चुल्लू पर पानी होता है, जिसमें आप नहा भी नहीं सकते, आप मुंह भी नहीं धो सकते, उसके अंदर जंप करती है एंड दैट्स इट, शी इज सेव्ड। आई मीन लाइक पूरा घर उड़ गया है, बाथटब सेफ है। आई मीन लाइक कौन से कंपनी का बाथटब है भाई, मुझे भी बता दो, मैं भी उस कंपनी का बाथटब ऑर्डर कर देता हूँ कल को अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ या बॉम्ब गिरा या गोलीबारी हुई तो, ये बाथटब मुझे डिफेंड कर लेगा राइट, बाथटब। इस मूवी में एक सीन है जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जहां पर ये बाइक से एक फ्रीज हो चुकी नदी के ऊपर बाइक चलाकर लेकर जाती है, इन्होंने हेलमेट पहना है एंड ओनली दी आईज आर विजिबल। अगर आप आंखों पर ध्यान से ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्लेयर फॉय नहीं है, वो कोई और है, इट्स एक्चुअली हर स्टंट डबल। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डायरेक्टिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। मूवी की स्टोरी तो मुझे कंप्लीटली ओल्ड स्कूल लगी, कौन क्या चाहता है ये आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। एक्शन सीन्स वर ओके बट अगेन नॉट अप टू द मार्क। हैकिंग को तो ऐसा दिखाया गया है कि मेरा 2 साल का भतीजा जो बोल नहीं सकता वो भी आसानी से कर ले। और इस पूरी मूवी की सबसे बड़ी कॉमेडी बात, एक आदमी जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे आप पूरे देशों की न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। आई मीन लाइक उसके पास में खुद एक्सेस नहीं है उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर, इसलिए वो लिस्बेथ के पास में जाता है ताकि वो सॉफ्टवेयर चुरा कर इनको दे सके। क्या बात है यार, आई मीन लाइक सीरियसली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्बेथ की बहन ये आखिर चाहती क्या थी यार? आई मीन लाइक मुझे ऐसा लगा कि जब इनकी एंट्री होगी सो कुछ होगा ऐसा जो डिस्क्लोज होगा एंड वी विल गेट टू सी समथिंग। ये लास्ट में आती है, थोड़ा रोना धोना करती है एंड दैट्स इट। आई मीन लाइक वी आर डन। यार तुम मारना चाहती थी या नहीं मारना चाहती थी? गोली से मार देना चाहिए था, बात खत्म कर देना चाहिए था, क्यों यार 1.5 घंटे की मूवी को 2 घंटे का घसीट लिया तुमने? इस मूवी में सिर्फ एक ही चीज मुझे अच्छी लगी और वो है इस मूवी का टाइटल, जो कि क्लियर हो गया था कि इस मूवी का टाइटल द गर्ल इन द स्पाइडर्स वेब क्यों है। बस वहां पे मुझे थोड़ी शांति मिली कि बस
एटलीस्ट इस मूवी का टाइटल मुझे समझ में आया कि क्यों ये टाइटल रखा गया है। ओवरऑल 2 घंटे की ये मूवी पहले तो हद से ज्यादा बड़ी थी, दूसरा स्टोरी बहुत ही कॉमन थी, कैरेक्टर्स के बारे में हमें बहुत कम इन्फो दी गई है कि आखिर कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री क्या है। थोड़े बहुत एक्शन सीन्स है जो कि मुझे जेम्स बॉन्ड टाइप लगे, थोड़े बहुत एक्शन सीन्स मुझे सुपर हीरो टाइप के लगे। सो इसलिए मैंने कहा कि ये मूवी 2000 या 2001 में बनी किसी मूवी की तरह लग रही है। सिंपली कहूँ तो ये मूवी बुरी भी नहीं है मगर अच्छी भी नहीं है। मेरी माने तो आप इस मूवी को स्किप कर दीजिए, मगर फाइनली डिसीजन आपका है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा अब 5.5 out of 10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी द गर्ल इन द स्पाइडर्स वेब को लेकर। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।